हमारी हुकूमत का तो पहली प्रायोरिटी वज़ीर आज़म साहब ने इंट्रोड्यूस कराया केपी में हेल्थ कार्ड और उसके समरात आज आपने देखे हैं। इसी तरह पंजाब में और बाकी सूबों में भी हेल्थ कार्ड के लिए एक अच्छा अमाउंट रखा गया और इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है। इससे इंसेंटिव मिलेगा कि जो हमारा हॉस्पिटल्स की क्वालिटी है वो बेहतर होगी, क्योंकि आपको एक एक घराने को जब इंश्योरेंस मिल जाएगी। इसके अलावा एजुकेशन में, हेल्थ में स्पेशल इन्वेस्टमेंट की गई है, क्योंकि यह वज़ीर आज़म समझते हैं कि पायदार तरक्की उस वक्त तक नहीं हासिल हो सकती जब तक आप ह्यूमन डेवलपमेंट ना करें, लोगों पे खर्चा ना करें। और जो कौमें तरक्की की हैं, जैसे जर्मनी था, दूसरे ममालिक हैं वेस्ट के, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की तो उनकी बाकी चीज़ें भी उठ गई। तो हमारी जो नज़रिया है पीटीआई का और वज़ीर आज़म का, उसके मुताबिक ये उसका मुँह बोलता सबूत है ये बजट। और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस बजट की बुनियाद पर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान मौशी अपने ना सिर्फ पाँव पे खड़ा होगा बल्कि दुनिया में लीडिंग रोल प्ले करेगा। जैसे जेपी मॉर्गन ने इस दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क है जिसमें जाके इन्वेस्टमेंट की जाए। तो अब बाहर के ममालिक के जो ऑथेंटिक उनके फोरम्स हैं इस तरह के और ऐसे उनके ये इदारे हैं, वो पाकिस्तान की ऑडिटिंग कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमें मज़ीद भी इससे हौसला मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।